आदमी को एक बेटा होता है तो उसको बड़ा गर्व होता है हमारे अरे तो गिनती नहीं है मेरे कितने बेटे हैं पूरा सर मुझे माँ करता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है वो जब बेगर मंदिर है मैं कोई काम नहीं करती हूँ एक एक गुन पानी नहीं पीती हैं आज मैं बड़े बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ ये कोरोना भी मेरा कुछ नहीं कर पाया और मैं निरंतर काम कर रही हूँ हम आपके दंके के चोर से कह रहे हैं सर से हम कम से कम सत्तर परसेंट क्या कहते हैं चट्टा निकाल चुकी हूँ और जो चट्टे बचे हैं उसको भी मैं महीने भर के अंदर हटाती हूँ प्लास्टिक और गोबर रहित मैं अपने सर से तौर उनको हटा शहर तो में इतने लोग अगर मुझे अम्मा कहते तो मुझे इतना भगवान मैं जब भी पैदा हूं तो कानपुर में पैदा हूं कानपुर ने मुझे बहुत, प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया तो उसको मैं अपने जीवन में नमस्ते मेरा नाम है उज्जवल आप देखना शुरू कर चुके हैं द फैंटेस्टिक इंटरव्यू सीरीज आज विद उज्जवल एक महिला जो अपने उसूलों पे चलती है एक महिला जो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरती है एक महिला जिसको यहाँ के लोग अम्मा जी और माता जी के नाम से बुलाते हैं एक महिला जिसने कम ही समय में राजनीति में उच्च शिखर पर अपनी पहचान बना ली एक महिला जो शीर्ष नेताओं के समकक्ष उनको अपना बना लिया उस महिला का इंटरव्यू आज हम करने जा रहे हैं ये महिला और कोई नहीं है आपके शहर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे जी हैं प्रमिला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आप जौनपुर से आती हैं जौनपुर से कानपुर तक का सफ़र मैं जानना चाहूँगा आपका कैसे क्या रहा किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा आपको और आज जब आप इस पद पर हैं तब स्थितियाँ कैसी हैं देखिए जौनपुर मेरी जन्मभूमि है कानपुर मेरी कर्मभूमि भूमि है क्योंकि मैं जौनपुर की हूँ मेरे हस्बैंड कानपुर तो मेरा जन्मदिन हमारा मेरा जन्मभूमि जौनपुर है कर्म भूमि मेरा कानपुर है कानपुर वासियों ने मुझे बहुत प्यार दिया बहुत सम्मान दिया उसको मैं अपने जीवन में भुला नहीं सकती। तो जौनपुर से जब आप राजनीति की शुरुआत कानपुर में आकर कोई हुई है या जौनपुर से शुरू हो चुकी थी चूँकि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जौनपुर में मेरी जन्मभूमि है मेरी शादी जब हुई तो मैं यहाँ आ गई थी और आने के बाद मैं कानपुर में जब आई तो मेरा जो परिवार था मेरे हस्बैंड मेरी जॉइंट फैमिली है मैं बता दूं आपको आज की तारीख़ में भी मेरे घर पैंतीस लोग हम लोग यहाँ रहते हैं खाना एक साथ में बनता है हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड पांच भाई हैं तो मैं कानपुर जब आई जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं एट्टी फाइव से तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हूँ चूँकि हमारे जी जो थे हमारे जेड विक्टोरिया मिल में काम करते थे मेरे दो जेड विक्टोरिया मिल में काम करते थे और वो जब उनको खाली टाइम होता तो उस संघ का काम करते थे और फिर उसके बाद जब मैं, मैं, मैं यहाँ आ गई थी मैं पचहत्तर से कानपुर में हूँ तो फिर उसके बाद से मैं पचासी से मैं सक्रिय सदस्य क्योंकि एक मेरा भांजा था चंदबली तिवारी वो आज नहीं है इस दुनिया में वो मुझको सक्रिय सदस्य बनवाया था और फिर उसके बाद मैं निरंतर जब मेरे बच्चे बड़े हो गए मेरा छोटा वाला बेटा जो था छह महीने का था जब मैं राजनीति में सेव काम कर देंगे तो ये अब ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बढ़िया विश्व की मैं कह रही हूँ कि अच्छी पार्टी है यहाँ के क्योंकि संघ से मेरा परिवार जुड़ा था तो मैं यहीं से आकर के अपना संघर्ष किया एट्टी नाइन से मैं बिल्कुल सक्रिय हूँ पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया पार्टी ने हमको दस साल पार्षद बनाया और पार्टी ने हमको तमाम ऐसे पदों पर रखा जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी और फिर पार्टी ने हमको मेयर बनाया मेयर बनाया तो मेयर जब जब मैंने मेयर का शपथ लिया तो मेरा जो सपना जीवन का था वो पूरा हो गया मैंने मेरे जीवन का यही सपना था कि मैं ऐसा कार्य करूं जो बाद में भी लोग मुझे याद करें इसलिए भगवान ने मेरी सुनी जहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मेरी इस बात को समझा उन्होंने मुझे मेयर बनाया और शहर की जनता ने तो मैं अपना सुबह जब उठती हूँ पाँच बजे मैं उठ जाती हूँ उसके बाद सात बजे आठ बजे के बाद मेरा एक एक मिनट का मेरा मैं अपने सुबह अपने मन में बना लेती हूँ मुझे क्या करना है नहाना दोना घर में पूजा करना मंदिर जाना मैं परमट पर एट्टी टू से जा रही हूँ पर डे मेरा वहाँ जाना है पूजा बगैर मंदिर गए मैं कोई काम नहीं करती हूँ एक एक बूंद पानी नहीं पीती हूँ मंदिर से आया फिर मैंने अपना नाश्ता पानी किया मैं निकल जाती हूँ फिर उसके बाद मैं घर कब आती हूँ मैं खुद नहीं बता सकती हूँ लेकिन मुझे बहुत भगवान ने हमको इतनी ताकत दी है लोगों ने लोगों का प्यार मेरा ताकत कानपुर की जनता का जो प्यार मेरे साथ है वही मेरी ताकत है नहीं आप देखिए मेरी उम्र साठ साल है साठ साल के मैं हो चुकी हूँ लेकिन आप देखिए कोरोना जैसी बीमारी में 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ मेरा डायरी मेरी डायरी मेंटेन होती है एक दिन का मेरा नगर निगम का नागा नहीं है ये जनता का प्यार है भगवान का बड़ों का आशीर्वाद है कि कोरोना भी हमसे दूर दूर भागा मैं एक दिन भी नागा मेरा नहीं है और मैं इसके लिए अपने को भाग्यशाली समझूंगी कि हमारा जो स्टाफ है यानी मतलब हमारा नगर निगम का स्टाफ हमारा सात आठ लोगों का स्टाफ यहाँ है सात लोगों का स्टाफ जो मेरे साथ चलता है किसी को ये भगवान की देन है कि कोरोना दूर दूर नहीं क्योंकि हमारे साथ जितने लोग लगे थे सब हमारे साथ ऑफिस में अपने घर कहीं गए नहीं आज मैं बड़े बड़े गर्व के साथ कर सकती हूँ ये कोरोना भी मेरा कुछ नहीं कर पाया और मैं निरंतर कार्य कर रही हूँ और ऐसे करती रहूँ लेकिन फिर भी आप सुरक्षित रह करके चीजें करिए क्योंकि अभी गया नहीं है ये। मैं पूरी इसलिए कर रहा हूँ यार मुझे पता है कोरोना नगर मैं तो बराबर अपने नगर वासियों से कहती हूँ कि दो गज की जरूरी मास्क दो गज की दूरी मास्क जरूरी वो सिर्फ मास्क लगाए रहे और दो गज की दूरी लगा रहे मैं शुरू से बता रही हूँ कि वो गर्म पानी पिए दिन में एक बार कढ़ा पिए अपने हाथ को और दिन में कम से कम कम से कम जब हो जब उनको लगे तब वो पानी धोते रहे अगर मौका मिले तो साबुन से धोते रहे और क्या कहते हैं लोगों से दूरी बना के रखें और रहें तो मास्क लगाए रहे निश्चित तौर पर कोरोना उनसे दूर दूर रहेगा और वो जनता की सेवा कर पाएगी अच्छा आप मेयर की कुर्सी पर हैं दो साल कुछ हो गया है आपको तीन साल हो गया है मेयर की कुर्सी पर रहते हुए मुझे बियर की कुर्सी पर रहते हुए कोई ऐसे पांच काम उंगलियों पर आप गिना दें फिलहाल के लिए जिस पर आपको फक्र महसूस होता हो कि आपने इस कुर्सी पर बैठकर वो काम किए सबसे बड़ा फक्र तो मुझको ये होता जब मैंने शपथ लिया था तो मैंने अपने एक एक वार्ड में एक एक घंटा का मैंने भ्रमण किया था शुरू में तो लोग हमसे कम से कम रो पर डे हमसे हजार पांच सौ आदमियों से मेरी मुलाकात होती थी वो भी मेरा गर्व की बात है और दूसरा इधर मैं सोलह अगस्त से पूरे अपने एक से दस वार्ड जो मेरा है मैं एक वार्ड में डुडुगी बजाती हूँ डुडुगी के साथ मेरा पार्षद होता मेरे है मेरे अधिकारी होते हैं जनता होती है इस कोरोना में भी हमने बिल्कुल सब सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम लोगों ने इसको चालू किया और पर डे आज की तारीख तक मैं पर डे ठीक ग्यारह बजे से मेरा डुडुगी आधे घंटे का रहता है तो मैं दो किलोमीटर ढाई किलोमीटर तो पैदल चलती हूँ और लोगों से मेरा मुलाकात होती है लोगों को मैं समस्या सुन सुनती हूँ ये भी मेरे गर्व की बात है तीसरी बात यह है कि शहर हमारा जो है पूरा शहर हमारा सीवर जो था वो गोबर से बिल्कुल क्या कहते हैं भ्रष्ट हो गया था हम कितनी भी कोशिश कर रहे थे इतना मेरा पैसा लग रहा था तब हम तब भी हम नाली नाला नहीं साफ़ कर पा रहे उसका मेन कारण गोबर और प्लास्टिक था जिसमें गोबर पर मैंने चट्टे पर मेरा मैंने पूरा अभियान चलाया और लीडर होकर मैंने काम किया हम आपके दंके की चोर से कह रहे हैं शहर से हम कम से कम सत्तर परसेंट क्या कहते हैं चट्टा निकाल चुकी हूँ और जो चट्टे बचे हैं उसको भी मैं महीने भर के अंदर हटा दूंगी यह भी एक हमारा बहुत बड़ा कार्य हमने किया इसके बाद मेरा जो अगला कदम होगा वो प्लास्टिक पर होगा प्लास्टिक और गोबर रहित मैं अपने शहर को कर दूंगी निश्चित तौर पर उनको हटा के नहीं इसका कैसे कुछ बताएं जैसे प्लानिंग करिए आपने प्लानिंग कैसे मने क्या प्लानिंग जैसे अभी तो हमने चट्टे वालों से पहले मैंने उनको रिक्वेस्ट की उन्होंने बैठक की भैया यहाँ चले जाओ कहीं चले जाओ कुछ करो उनकी रोजी थी लेकिन उन्होंने इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे उसमें देखो होता क्या है कि जो बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों के उससे छोटे लोग पीछे जाते हैं ये हमेशा से बहुत पुराने हर युग में होता रहा कि बड़ों लोगों के साथ छोटे अब जो जितने बड़े लोग हैं उनके पास उतनी बड़ी मशीनरी है कि उनके पास पचास भैंसे हैं तो उन्होंने बड़ा बोर कर रखा है तो उन्होंने बड़ी पाइप से ठीक पूरा गोबर कर देते हैं वही देखा देखी छोटे लोग भी जिनके पास दो तीन जानवर हैं वो भी कर रहे हैं नाला जाम तो हमने तो ऐसे ऐसे घरों में जा के पकड़ा है अभी मैं कल गई थी जी आपको बताऊं जैसे आप बैठो से तीन कमरे के बाद जब मैंने दरवाजा खुलवा तब तो उसमें से मैं पांच भैंस मुझको मिली अंदर कमरे कमरे बेडरूम के बगल में उन्होंने बांध रखा था तो अब वो सारे गोबर नाली में मंडाने आप खुद जाकर देख लीजिए कि पूरी नाली गोबर से लथ वहाँ का पार्षद हमारा बेचारा परेशान नालियां भी भरने की समस्या एक परेशानी आरती गौतम आरती गौतम वहाँ की पार्षद है और आप जाके उसके वार्ड में सर्वे कर लेना पूरा गोबर ही गोबर है तो उसका उससे मुझे बड़ा संतोष और सबसे बड़ा संतोष मुझे है कि मुझे अपने शहर की अपने जनता की सेवा करने का मौका मिला ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जहाँ मैं ब्याह कर आई जहाँ मैं बहू बनकर आई वहाँ मैंने अपने बहू का पूरा आ, आ, पूरा अपने बहू वाला काम किया जी. अब लोग हमको माताजी कहते हैं तो मैं 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 अपने को भी बहुत आदमियों के एक बेटा होता है तो उसको बड़ा गर्व होता है हमारे हमारे तो गिनती नहीं है मेरे कितने बेटे हैं पूरा शहर मुझे माँ कहता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है मेरा शहर बावन चौवन लाख की हमारी आबादी है दो गज में हम दो मीटर में हम सॉरी दो किलोमीटर में हमारा पूरा शहर है और शहर में इतने लोग अगर मुझे अम्मा कहते हैं तो मुझे इतना प्रसन्नता होता भगवान मैं जब भी पैदा हूँ तो कानपुर में पैदा हूं इसी तरीके से मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिल गया ये थी हमारे साथ कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे जी आपने देखा किस तरह से इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया इसके साथ ही मिलाएंगे अगले हफ्ते आपको फिर किसी नए शख्स के साथ तब तक शुक्रिया okay.